हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा। आज मेरे साथ सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी मेरे पास एक साल पहले भी आए थे और सुरेंद्र जी को भी यही दिक्कत थी जो इस बार दोबारा हुई है। तो सुरेंद्र जी 65 ईयर्स का बताया आपने? 65 ईयर्स के हैं। आप अपनी जरा दिक्कत के बारे में बताएं ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो समझ सकें और आपने क्या क्या इलाज कराया, कैसे ठीक होता है और कैसे चला जाता है। मेरी एक क्या बोले चूल्हे में दर्द था और कूल्हे में दर्द है, ये लाखपुरी में दर्द होती थी यहाँ पे भी। तो मैं कम से कम अगर 1.5-2 घंटे गाड़ी के मतलब ड्राइवर कोई कर रहा है और साथ बैठा हूँ वो मेरे यहाँ से दर्द बैठना मुश्किल हो जाता मेरे को। जी, तो आपके साथ में आया। हाँ, तो ये हमारे पास लास्ट ईयर भी आए थे, इसी दिक्कत के साथ आए थे, भाई साहब लेके आए थे और मुझे अब याद आ रहा है जब उन्होंने बताया कि गाड़ी पे बैठ के, तो उस टाइम पे भी अंकल को पोस्चरल पेन ही था। जो हम सोच रहे हैं कि इनको जेन्युइन शियाटिका नहीं है बट शियाटिका जैसे सिम्टम्स हैं। तो शियाटिका जैसे सिम्टम्स जब हम बोलते हैं इसका मतलब ये होता है कि नर्व का दर्द नहीं है। नर्व का दर्द होते ही पेशेंट चल नहीं पाता और बहुत ज्यादा सनसनाहट या सुइयों जैसी टांग में दर्द रहता है। तो ये चीज हम किसी भी एज ग्रुप में देख सकते हैं बट जनरली हम एक सर्टेन एज ग्रुप यानी कि 50+ में ज्यादा देखते हैं। उसका एक रीजन बहुत बड़ा ये होता है कि वो या तो वो चौकड़ी मार के बैठे रहते हैं बहुत देर तक, या वो किसी भी पोजिशन में खड़े हैं तो खड़े रहते हैं। ऐसा कुछ होता है पापा जी? चौकड़ी मार के तो ज्यादा नहीं बैठता मैं, बट अगर आप गाड़ी में बैठे हैं किसी भी पोजिशन में, गाड़ी में ऐसे बैठा हूँ तो बैठे बैठे दर्द होने लगे। ये चीज यहाँ पे कोई कूल्हे की कुछ ये अच्छा हड्डी में, ये तो क्या आप इस पे पर्स तो नहीं रखते? नहीं। हाँ, तो पर्स रखने की वजह से भी ये दिक्कत एक होती है। और इसका मतलब ये होता है कि आपका अगर ये कूल्हा है, हाँ जी, ये पूरा कूल्हा तो नहीं है बस कूल्हे का एक हिस्सा है, कूल्हा इसमें जुड़ता है। अगर आप बैठते हैं और किसी तरह से ये इस तरह से झुका हुआ है, अच्छा, तो इसी कूल्हे में सारा प्रेशर बनना चालू हो जाता है। तो यहाँ से जो पीछे से नसें जाती हैं इस तरफ से, उनमें सब में टेंशन या कंप्रेशन आना चालू हो जाता है। वही आपके टांगों तक नीचे तक दर्द जाना चालू हो जाता है। तो हम इसके लिए ट्रीटमेंट भी करते हैं ताकि हम स्किन मसल फेशिया को भी रिलीफ कर सकें और इसके साथ साथ हम एडजस्टमेंट भी करते हैं। आप पिछली बार 4-5 दिन आए थे, राइट? मैं पीछे 1.5 साल पहले एक बार आया था, फिर एक बार आया था। अच्छा, तो आपको एक ही बार में आराम मिला था? आराम मिला था, तो आपने बुलाया था मगर मैं नहीं आया था। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर आपको आराम मिल गया था तो कोई जरूरत नहीं थी आने की। मैं काम कहीं निकल गया फिर आया नहीं गया। अच्छा, चलिए, वेरी गुड। अब मैं इनका जल्दी से आपको एडजस्टमेंट दिखाता हूँ और आपने से भी किसी को इस तरह की जिसको हम फेक शियाटिका जैसा दर्द बोलते हैं या कूल्हे वाला दर्द बोलते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या जो हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं आपके आसपास कोई करता है तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। आइए बैठिए, उल्टा लेट जाएंगे। आराम से दीवा छोड़ देंगे, हाथ पीछे रखेंगे। ये इनकी बैक ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइट है, इन्होंने इसी तरफ प्रॉब्लम बोली है, हमने इसी तरफ किया है, बट अगर मेरा बस चलता और मेरे पास टाइम होता तो मैं ये पूरा का पूरा बैक का भी करता, क्योंकि इसमें अपने आप में बहुत ज्यादा टाइट है। करवट लेंगे, मेरी तरफ करवट ले लीजिए। अब इस एज में क्या है कि बहुत ज्यादा थ्रस्ट नहीं दे सकता, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगा सकता, ऐसा कुछ करने पर कई बार चेस्ट में रिब्स में पेन आ सकता है। नीचे वाला पैर सीधा, छोड़ दीजिए, ब्रीथ आउट कर लीजिए, वेरी गुड। उस तरफ लोअर बैक बहुत अच्छे से खोला है, सामने आ गया।
छोड़ दीजिए इजी नाइस इजी नाइस आ जाएगी मित्रों के लिए कोई भी मैसेज हो आपका वो आप अपना मैसेज दे सकते हैं आपका क्या एक्सपीरियंस यहाँ पे रहता है जब भी आप आते हैं काफी रिलीफ मिलता है रिलीफ तो मिलता है दोबारा आने को दिल नहीं करता फिर वो तो है ही फिर भूल जाते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को हिट करें कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे जरूर पूछें हम आपके सारे सवालों का जवाब देते रहेंगे थैंक यू थैंक यू